हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फाइनली सुपरमार्केट की वैकेंसी चली गई है इंडिया में और इसका इंटरव्यू भी जल्दी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा। मर्चेंडाइजर का और सुपरमार्केट का वर्क क्या होता है सुपरमार्केट में, ठीक है। तो सुपरमार्केट में सेल्समैन और मर्चेंडाइजर का जो भी काम होता है, मैं कुछ चीज़ें जितना मुझे पता है आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देख लेना, ठीक है। फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये ओमान सुपरमार्केट की वैकेंसी गई है और एक सऊदी अरब की जो वैकेंसी गई है वो नून का बाइक ड्राइवर का है, तो वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। पहले इसके बारे में बात कर ले, ये ओमान की सुपरमार्केट है, ठीक है। ओमान की सुपरमार्केट है और इसमें मर्चेंडाइजर और सेल्समैन की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की और एज की। सबसे पहले इसमें इंग्लिश आपको बेसिक इसमें तो आना ही चाहिए, ओके। और इसमें थोड़ा गुड लुकिंग चाहिए। एज जो है आपकी 35 साल के अंडर होनी चाहिए, मतलब 35 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 35, ओके। 21 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ओके। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कभी कोई एक्सपीरियंस है जैसे शोरूम का या किसी मॉल का, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए है। और इसमें सैलरी जो है 180 ओमानी रियाल इसमें सैलरी दी गई है, 180, ठीक है। अभी 180 ओमानी रियाल आप लोग कैलकुलेट कर लेना गूगल पे करके कितना आपका बनता है, ओके। तो 100 ओमानी रियाल सैलरी है इसमें आपका, प्लस उसमें कमीशन भी है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और सब कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है सर। फूड आपका रहेगा, फूड इसमें नहीं मेंशन किया गया, फूड आपका है, ओके। अब बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। मर्चेंडाइजर का वर्क वो होता है सुपरमार्केट में, कोई भी सामान जो होता है, आप लोगों ने कहीं सुपरमार्केट में गया होगा तो देखा होगा, ट्रॉली से सामान लेकर के आएंगे और लाइन बाई लाइन रैक में उसको लगाना रहता है, एक्सपायरी को चेक करना रहता है, ठीक है, एक्सपायरी चेक करना रहता है, और कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जहाँ पे सुपरवाइजर बोलेगा वहाँ पे ले जाकर के लगाना हो, ठीक है। तो बेसिकली मर्चेंडाइजर का यही वर्क होता है कि सामान को सही जगह पे लगाना है, उसको एक्सपायरी चेक करके बाकी सारे चीज़ें उसका चेक करके रैक में डालना रहता है, ओके। सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन को आपने देखा होगा कि सेल्समैन वो जैसे कपड़े का शोरूम होगा वहाँ पर काउंटर पर सेल्समैन होता है, या फिर आपने और देखा होगा दूसरे किसी काउंटर पे जो सेल्समैन होता है परफ्यूम के, जहाँ पे वहाँ परफ्यूम रहता है वहाँ पे सेल्समैन होता है, वो चीज़ें सारी दिखाता है सेल करने के लिए, ठीक है। तो सेल्समैन का वर्क हो गया, ओके। तो ये दो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। फिर भी कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो। अरे ओमान का सुपर मार्केट है, ठीक है, सऊदी की नहीं है, ओमान के लिए है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी गई हुई है उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेशर हैं, अगर आना चाहते हैं, अगर जा रहे हैं गल्फ कंट्री में, अगर सुपरमार्केट के लिए अगर वो वैकेंसी सर्च कर रहे हो तो सुपरमार्केट के लिए जो भी वैकेंसी गई थी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ऑफिस। ऑफिस जो है भाई, ये जो ऑफिस है ना, गया हुआ है हैदराबाद का मैन पावर में, ठीक है, हैदराबाद मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं इसका एड्रेस वगैरह सारा डिटेल में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ओके। उसके बाद हैदराबाद की मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड में गया हुआ है। इसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग सर्च कर लेना। और उसके बाद से आप लोग कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा मैं इनका, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अभी ये CV चल रहा है, ठीक है। CV जब आपका सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद से आपका डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको ऑफिस में जाना है। तो जो लोग यूपी में हैं या फिर यूपी से हैं या फिर दिल्ली से कहीं से भी है, जो लोग मतलब हैदराबाद से बाहर वाले भी ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका CV शॉर्टलिस्ट हो गया, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेंगे, आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी सऊदी अरब की नून की वैकेंसी गई हुई बाइक ड्राइवर की, इसके बाद मैं वो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ये मुझे लगा कि सुपरमार्केट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कोई वैकेंसी जा रही है कि नहीं, तो वीडियो में लेकर के आया मुझे जैसे पता चला था, ठीक है। तो इस सुपरमार्केट ओमान की है, मर्चेंडाइजर सेल्समैन की ज़रूरत है, 180 रियाल इसमें सैलरी है प्लस कमीशन में, दोनों की सैलरी सेम है, ठीक है। अब दोनों में किसी पोजीशन पे आ रहे हो तो अब दूसरी चीज़ है, जब आपका CV सेलेक्ट हो जाएगा
ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपका वीजा सप्लायर का लग रहा है कि डायरेक्ट कंपनी का लग रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें जब आप कंफर्म कर लो, पूछ लेना, तभी इसमें आप लोग एग्री करना आने के लिए। पहले इंटरव्यू में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में कन्फ्यूज रहते हैं, पूछते नहीं है सब चीज़ें, बाद में इंटरव्यू दे के पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से घर आने के बाद से वो टेंशन लेने लगते हैं कि अरे मुझे तो ये पूछा नहीं, फिर इधर उधर परेशान होने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू पर फोकस करना है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि आपका सैलरी जो भी है, सैलरी आपका कितना दे रहा है, इसमें ओवर टाइम आपको देगा कि नहीं देगा, और आपका वीजा सप्लायर का लग रहा है कि डायरेक्ट कंपनी का लग रहा है, साल में कितनी आपकी छुट्टी मिलेगी, और आने जाने का टिकट 1 साल पे है कि 2 साल पे है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंटरव्यू में ही, आप लोग इंटरव्यू जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से आप लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना, ठीक है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं पूछते हो तो फिर आप लोगों की ये प्रॉब्लम है, फिर आप रूम पे आओगे या घर पे जाओगे तो आप लोग परेशान हो जाए। इसलिए जहाँ भी जाओ, किसी भी ऑफिस में अगर जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपका जैसा सिलेक्शन होता है उसके बाद से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे फेसबुक पेज पर डायरेक्ट आप लोग मैसेज करके किसी भी चीज़ से कोई भी बातें आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, ठीक है। नून बाइक ड्राइवर का गया, उसका मैं जल्दी लेकर के मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है।